देख रहे हो, ये है अशोका स्तंभ, मेन असली अशोका स्तंभ जो है वो है। और यहाँ पे इधर वाली साइड ही बौद्ध भगवान ने अपनी वो दी थी, सबसे पहला उपदेश दिया था। चकाचक भीड़ है भाई। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू वीडियो मैकेनिक। सेकंड डे इन वाराणसी। पहला दिन आपने देखा सारा, कहाँ कहाँ घूमे हम, और अभी हम बैठे हैं बैटरी रिक्शा में और जा रहे हैं सारनाथ वाली साइड। सारनाथ है बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट प्लेस फॉर ऑल द बुद्धिस्ट, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा जनता आती है वहाँ पे सारनाथ घूमने। कोई फॉरनर आता है तो पक्का सारनाथ जाता है, इंडियंस में भी बहुत ज़्यादा। बुद्धिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है और बहुत ही सेक्रेट है, तो हम वही देखने जा रहे हैं क्या होता है वहाँ पे, कैसा है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ आज। एंड मेरे साथ है शुभम, भाई का बर्थडे भी आज, कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दो सारे। और एक और भाई हमारे साथ, तो हम सारे तीनों जाएंगे और आपको सारा दिखाएंगे कैसा कैसा क्या है वहाँ पे। इसको ये रिक्शा जो हमने ली है, ये ली है 50 रुपये पर बंदा शेयरिंग में, और ये वहाँ पे जाके सिर्फ छोड़ने के लिए है, पूरा घुमाने के लिए नहीं है। यहाँ पे घुमाने का पूरा सिस्टम भी लेके लेते हैं ऑटो वाले, जो मतलब हर जगह घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ा सा लंबा और महंगा भी होता है, पर ये 50 रुपये है। जय भोले, ये 50 रुपये है पर बंदा एंड वापस आने का अलग। तो ये अब चलो चलते हैं दिखाते हैं। ये रिक्शा जो हमने ली है, ये ली है 50 रुपये पर बंदा शेयरिंग में, और ये वहाँ पे जाके सिर्फ छोड़ने के लिए है, पूरा घुमाने के लिए नहीं है। यहाँ पे घुमाने का पूरा सिस्टम भी लेते हैं ऑटो वाले, जो मतलब हर जगह घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ा सा लंबा और महंगा भी होता है, पर ये 50 रुपये है। बहुत ही ज़्यादा बम्पी राइड के बाद हम पहुँच गए हैं मूलगंज कुटी विहार द्वार ये। हाँ, तो ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे, और आगे आगे इसमें सारा बताते हैं क्या क्या है इन सब चीज़ों में। बाकी सारनाथ का ये जो पॉइंट पे हम, यहाँ पे बड़े सारे मंदिर हैं, बहुत सारे पार्क हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने की, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े थोड़े ब्रीफ वे में, और सारा निकालते हैं। बाकी शुभम बताएगा आपको ये बहुत अच्छे से, विस्तार से, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है ना। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड। ये देखो अभी तो यही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे चल रहा है, देखो गाइस, वो दिखाया हुआ है सरमन लेते हुए, पहले जो शिष्य थे, फर्स्ट स्पीच हुई थी जो इनकी। यही है वो वृक्ष, यही है ना वो वृक्ष, बोधि ट्री, यही है गाइस वो बोधि ट्री, जिसमें इसकी सैपलिंग है बेसिकली, जो असली पेड़ है उसकी। बाकी ये है, ये इनका वो होता है ट्रेडिशनल, ये वाला है अंदर का स्तूपा गाइस। शांत रहिए इसमें, प्लीज कीप साइलेंस। लोग काफी सारे आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये देखो, ये है स्तूपा, अंदर मंदिर बना हुआ है ये भगवान बुद्ध का। अच्छा बना हुआ है। ये एक और जगह आ गए हम, जहाँ पे मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट्स सी। भाई ये है यहाँ पे स्तूप है, ये भी आई थिंक एक भाई, ये है श्री दिगंबर जैन टेंपल सीपुरी सारनाथ। ये है गाइस जैन मंदिर, श्रेयांसनाथ जी की आगे मूर्ति लगी हुई है। हम ये मोन्यूमेंट वाली साइड आ गए हैं, जहाँ पे मेन स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा मेन, और यहाँ पे आज तो म्यूजियम बंद है, फ्राइडे को ऐसा लिखा हुआ है इसमें, उधर मेन स्तूपा है वो।
जहाँ बैठ के उपदेश दिया था भगवान ने। ये सारी जो है ये मूर्तियां हैं जो निकली हैं खुदाई के बाद निकली हैं सारी, बहुत ही मतलब अलग अलग इसमें वो है डिजाइन से। देखो ये है जैसे ये वाला है, ये साड़ी में भी ये सब बनावट दिखाई देती। और ये वाली सारे स्तूपा हैं जो जिन जिन की मन्नतें पूरी होती थी वो अपना स्तूपा बनवा देते थे, है ना, यही है ना बात। और कौन सा भोटत स्तूप जी हाँ। और यहाँ पे ये सामने आप देख रहे हो ये है अशोक स्तंभ, मेन असली अशोक स्तंभ जो है वो है। और यहाँ पे इधर वाली साइड ही बौद्ध भगवान ने अपनी वो दी थी, सबसे पहला उपदेश दिया था, तो ये सारा वही है। और ये वाला जो स्तूप दिख रहा है आपको सामने बिल्कुल बहुत बड़ा सा धम्मिक स्तूप है ये इसका नाम। इसमें अस्थियां रखी हुई है गौतम बुद्ध भगवान की, है ना जी हाँ। ये सारा मतलब अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा आके। यहाँ गए सब यहाँ आए हैं, ये वाट थाई सारनाथ है, थाई मंदिर है बेसिकली। देखते हैं कैसा है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ओ ये चेक करो यार सामने, ये गाइस है यहाँ का थाई बुद्धिस्ट मंदिर, बढ़िया है। अंदर यहाँ पे मूर्ति है एक बुद्ध भगवान की, काफ़ी सारी जगहों पे है, ये सब है यहाँ पे। अब निकलते हैं हम वापस घाट वाली साइड, वाराणसी वाली साइड बेसिकली, और चलते हैं। गाइस अभी हम वापस आ गए हैं सारनाथ वाली साइड से, यहाँ गोडलिया चौक की तरफ जा रहे हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी अभी मैंने मलाई और रबड़ी वगैरह खाई है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मीठा खाया है इसलिए शायद अच्छा लग रहा है, बट अभी मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं, वही नॉर्मल तरीके की मार्केट है, बट काफ़ी सारा वो भी है, क्या कहते हैं, भीड़ भड़ाका। क्या हुआ? अरे मैं ये देख रहा हूँ। ये है खस्ता कचौड़ी साथ में सब्जी, इसके वो खाने आए हैं हम यहाँ पे। देखो ये बना रहा है भाई, हींग वाली कचौड़ी है खस्ता, साथ में चने छोले। भाई बता दो भैया, सुबह बनारस मॉर्निंग में सात से लेट दो, सुन गया, सात से दो सुबह सुबह सात से दो। फेमस कचौड़ी है, फेमस कचौड़ी है यहाँ की। अभी हमने खाई है पीछे, इसमें बहुत अच्छी कचौड़ी थी एक्चुअली। में तुम्हें कैसे लगी? और एक और कचौड़ी वाला है अंदर गली में, नीरू बहुत है वैसे तो कचौड़ी वाले, पर ये वाली भी अच्छी है, सिर्फ हींग की कचौड़ी है, कोई प्याज लहसुन नहीं है, रिकमेंडेड है, तो यू कैन ट्राई। भाई अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जो सबसे मेन घाट है। कल भी आपको जो आरती दिखाई वो इसी की दिखाई थी, पर बोट से दिखाई थी, इस बार दिखाएंगे घाट से। साथ में राजेंद्र प्रसाद घाट है, वहाँ पे भी होती है बहुत बढ़िया, दशाश्वमेध पे मेन होती है। कल आपको आरती दिखाते हैं बिल्कुल क्लोजअप से, आई होप बढ़िया जगह मिल जाए हमें आरती के लिए, इसके बाद दिखाते हैं। बहुत भीड़ होती है भाई, ये देखो ये है घाट पूरा, क्या भीड़ है भाई, चकाचक चकाचक भीड़ है भाई। इस वो एरिया जहाँ पे सारी आरती होती है, देखो ये सारे बने हुए हैं यहाँ पे 10-12 स्पॉट्स, और यहाँ देखो लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा है, सारे भरे पड़े हैं लोग ही लोग। ये गई सारी आरती यहाँ पे पंडित बैठते हैं, आरती करते हैं। कल आपको थोड़ा सा दिखाया, आज आपको पास से दिखाते हैं, और लेट मी शो यू कैसा होता है सारा। दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पे सामने बैठ गए हैं, बिल्कुल सामने से आरती दिखेगी ये 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 सारी, और सारी आपको दिखाते हैं जैसे जैसे हमें दिखती है। बहुत ही बढ़िया क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है एक्चुअली, ये देखो अभी दिखाता हूँ।
रास्ते में से आ जाइए, पीछे आ जाइए या तो बैठ जाइए, कुछ बढ़िया वहां पे। दीना चाट पे सबसे फेमस, वाराणसी का सबसे फेमस दीना चाट, बहुत फेमस है इसकी दुकान। और टमाटर चाट इनकी बहुत फेमस है, ये टमाटर चाट ही बना रहे हैं और साथ में कचौरी भी आ रहा है। कैसी है? बढ़िया। भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, सारे भरे पड़े लोग।